एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वारी और आज मैं आपके साथ ब्यूटीफुल टू हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ जो काफ़ी खूबसूरत लगेंगे छोटे वालों में भी एंड लंबे वालों में भी। तो आप ये मत सोचिए कि अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप किस तरीके से ये हेयर स्टाइल करोगे। आप मेरे से मिरर में देख रहे हैं मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक टिप्स देना चाहती हूँ आपको लिपस्टिक के बारे में। अक्सर हम लोग बुलेट लिपस्टिक को कैसे लगाते हैं, बुलेट लिपस्टिक हम लोग ऐसे अप्लाई कर देते हैं, दैट्स इट। बट ऐसे नहीं करना है आपको। आपको अपने अपर लिप पे भी जो हमारी शेप है वो प्रॉपर देनी है। हो सके तो आउटलाइन भी कीजिए। आउटलाइन करते टाइम कई लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, अपनी लिप्स के कलर से बहुत ज़्यादा डार्कर शेड लगा लेते हैं। वो बहुत ही भद्दा लगता है और बहुत गंदा लगता है। तो आप डार्कर शेड मत लगाइए। हो सके तो अपने लिपस्टिक के शेड से एक या दो शेड डार्कर लगा सकते हो। अदरवाइज आप सेम कलर का ही लिप लाइन आउटलाइनर लगाओगे तो मुझे ज़्यादा बेस्ट लगेगा, मेरा ओपिनियन है ऐसा। तो आप ट्राई जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हेयर स्टाइल को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ये हेयर स्टाइल बनाने के लिए रबर बैंड चाहिए होगा। अगर आपके बाल पतले हल्के या छोटे हैं तो आप पतला वाला रबर बैंड यूज़ कीजिएगा। अगर आपके बाल बहुत घने हैं लंबे हैं तो आप मोटा वाला रबर बैंड यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पतला वाला रबर बैंड यूज़ करूँ क्योंकि मेरे बालों की लेंथ जो है काफ़ी शॉर्ट है एंड ज़्यादा घना भी नहीं है। तो आपको इस तरीके से बालों को करना है। मिरर में भी देखते रहिए अच्छे को मिलने के लिए। तो इस तरीके से लिया है मैंने। अगर आप कॉलेज गर्ल हो तो बहुत बेस्ट रहेगा ये हेयर स्टाइल आपके लिए। इस तरीके से आपको बालों को कोनी बनानी है हाफ बालों में। ओके, कोनी बनाने के बाद बालों को थोड़ा सा लूज करना है एंड इस तरीके से फिंगर को इंसर्ट करना है और इसको नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ लेके आना है। और टाइट कर लीजिए, ऐसे टाइट कर लीजिएगा कि जो आपका जो रबर बैंड है वो हाइड हो जाए। तो बैक से तो कुछ इस तरीके का निकालेगा एंड यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा खींच लेना है जिससे कि जो आपका गैपिंग है वो दिखाई ना दे। और बैक से तो आपने दिख रहा है यहाँ पे। तो छोटे बालों में ऐसा लुक आएगा, लंबे बाल है तो भी काफ़ी प्यारे और खूबसूरत लगेंगे एंड फ्रंट से इस तरीके का लुक आएगा और बेस्ट रहेगा कॉलेज गर्ल्स के लिए। तो अगर आप कॉलेज गर्ल हो, ऑफिस गोइंग गर्ल्स हो तो ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो, काफ़ी खूबसूरत है। ईयर रिंग्स वगैरह डाल लीजिएगा। मैं ईयर रिंग्स बहुत कम पहनती हूँ क्योंकि मेरे कानों का ये चीज़ बहुत पतला है और कटने के चांसेस रहते हैं, इस वजह से मैं ईयर रिंग्स कम पहनती हूँ और मुझे ज़्यादा भारी हैवी ज्वेलरी पसंद भी नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया। चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। सेकेंड जो हेयर स्टाइल है वो भी कॉलेज गर्ल्स को वेस्टर्न ड्रेस से काफ़ी अच्छा लगेगा। आज का जो दोनों हेयर स्टाइल है वो वेस्टर्न ड्रेस एंड कॉलेज गर्ल्स ऑफिस में गर्ल्स के लिए है। तो आपको फर्स्ट सेकेंड हेयर स्टाइल में दो बॉबी क्लिप्स की ज़रूरत पड़ेगी तो आप रख लीजिएगा। एंड आपको करना क्या, बिल्कुल सिंपल है, पहले भी मैंने बताए हैं अपने चैनल पर, देखिए ध्यान से देखिए। इस तरीके से लेके जाना है, फिर अगेन दूसरी साइड से इसको क्रॉस करना है, फिर एक लेयर लेना है, इसको क्रॉस करना है, फिर तीसरा लेयर लेके बस इनको क्रॉस करना है क्राउन एरिया तक। ओके, क्राउन एरिया तक इस तरीके से क्रॉस करना है एंड यूपिन की मदद से, सॉरी यूपिन को लगेंगे नहीं, बॉबी क्लिप की मदद से यहाँ पे इसको सिक्योर कर दीजिए। तो बहुत ही इजी है और बहुत स्टाइलिश लगता है ये। अब इस तरीके से करके आप चाहो तो ओपन भी रख सकते हो, इसके साथ झुमके एंड बालियाँ काफ़ी अच्छी लगेंगी एंड अट्रैक्टिव लगेंगी। बट आप ऑफिस में कर दो तो छोटी छोटी ईयर रिंग्स ही डालना, ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरीके से भी रख सकते हो सेकेंड हेयर स्टाइल में। एंड थर्ड में आपको थोड़ा सा, जैसे बहुत लंबे बाल हैं आप इस तरीके से ओपन कैरी नहीं के मतलब नहीं संभाल सकते हो, तो आपको क्या करना है, लेयर्स निकाल लीजिएगा। अगर आपके फेस पे पफ जचता है तो आप इस तरीके से थोड़ा सा आगे की तरफ पुल आउट कर लीजिएगा। उसके बाद से अगर आपको बालों को खुला पसंद नहीं है तो आप पूरे बालों को ऊपर की तरफ लेके जाइए और एक कोनी बना लीजिए। कोनी के लिए ब्लैक रबर बैंड यूज कीजिएगा। ब्लैक रबर बैंड काफ़ी क्लासिक और अच्छा लगता है ऑफिस वगैरह जाने के लिए। ओके,
है, फिर छोटे बाल हैं तो भी अच्छे लगेंगे, लंबे हैं तो भी अच्छे लगेंगे। तो ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल हो गया ऑफिस जाने वाली लड़कियों के लिए एंड कॉलेज जाने वाले लड़कियों के लिए। अगर बाय द वे आपके पास ब्लैक रबर बैंड नहीं है और रबर बैंड दिख रहा है अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इस तरीके से थोड़ा सा लेयर ले लोगे बालों का और इसको रबर बैंड को चारों तरफ से लपेट दोगे एंड एक बॉबी क्लिप लेके क्लिप जिससे जो भी हो आपके पास बैच में ये जो मैंने लेयर लिया हुआ है हेयर का इसको नीचे की तरफ रखेंगे और क्लिप लगाएंगे। अगर एक क्लिप निकल जाए बाइक में तो इसको आप इस तरीके से ऑफ कर दीजिएगा तो ये नहीं निकलेगा और जो आपका हेयर स्टाइल है वो काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव रहेगा। तो ये मतलब बैक से लुक आएगा और ये फ्रंट से आएगा। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया छोटे बालों के लिए, लंबे बालों के लिए जैसे भी हेयर आप कर सकते हो। तो चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ, वो भी ऑफिस में गर्ल्स के लिए। तो इसी में हम लोग थर्ड हेयर स्टाइल भी बनाएंगे। थर्ड हेयर स्टाइल के लिए आप क्या करोगे, जो आपने ये रबर बैंड को हाइड किया है उसको अगेन निकाल लेंगे इस तरीके से। और ओपन कर लिया मैंने, अब इसमें आपको इतने ही छोटे बाल हैं आपको कैसे आता होगी कि आपका जो बन है वो काफ़ी बड़ा बने। कई लोगों को ओपन हेयर या फिर कोनी बनाना पसंद नहीं होता, काफ़ी कंफर्टेबल लुक एंड स्टाइलिश लुक चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फ्रंट से ऐसे ही रहने देना है। और आपके बाल छोटे हैं तो आप बहुत बड़ा बन तो नहीं बना सकते, उसके लिए आपको क्या करना है सिंपली अपने बालों में बैक कॉम्बिंग करनी, बैक कॉम्बिंग करने से आपके बालों में थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाएगा। अब उसको हल्के हाथों से इस तरीके से ट्विस्ट करना है, देन इस तरीके से रखना है। और अब आप चाहो तो क्लचर लगा लो या फिर यूपी की वजह से सिक्योर कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे क्लचर लगा रही हूँ, क्लचर लगाने ज़्यादा इजी लगता है मुझे। तो इस तरीके का बना हो गया, इतने छोटे बालों में काफ़ी बड़ा और खूबसूरत सा स्टाइलिश सा बन आपका बन के रेडी हो जाएगा। लेयर्स में निकाल दी हूँ, निकाल लीजिएगा ताकि कई हमारा फेस कैसा ब्रॉड होता है चौड़ा होता है तो अच्छा नहीं लगता अगर पूरे बाल फ्लैट लुक में बना ले तो। तो इस तरीके से आप अपना थर्ड हेयर स्टाइल कंप्लीट कर सकते हो और सिर्फ एक क्लचर से आप इतना सुंदर सा हेयर स्टाइल बना लोगे। तो आज का हेयर स्टाइल कैसा लगा आप लोगों को, ये चार हेयर स्टाइल थे, बहुत इजी एंड कंफर्टेबल है कॉलेज ऑफिस गोइंग गर्ल्स के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भी इस तरीके की हेल्पफुल एंड ईजी हेयर स्टाइल एंड मेकअप टिप्स की वीडियोज़ देखने के लिए सेकंड चैनल पे डिजाइनर ड्रेस की वीडियो अपलोड होती रहती है। सेकंड चैनल का नेम है प्रीत तिवारी 2, ओके। तो वहाँ पे डिजाइनर ड्रेसेज आपको मिलेंगे। न्यू चैनल बनाया है मैंने, उसमें मैं अपनी शॉर्ट्स वीडियोस जैसे कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं अपनी आवाज़ में मैं अपलोड करती हूँ, तो प्लीज़ वहाँ पर भी जाइए, उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक इतना ख्याल रखें।